मुझे लगता है कि भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ 73rd और 74th, उसमें जो कमियां रह गई थी पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत करने के लिए जो काम किया जा सकता था वो अधिकतम काम पिछले 3-4 महीनों में हमने किया, और 3-tier सिस्टम यहाँ भी लागू हो तो DDC के चुनाव भी यहाँ करा दिए। तो मैं उन सभी राजनीतिक दलों को और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी जिन्होंने भारत के संविधान में आस्था व्यक्त की है उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रतिकूल मौसम में जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की, बच्चियों की, नौजवानों की रही है, मुझे लगता है कि उन सबका अभिनंदन अगर न किया जाए तो शायद ये ज्यादती होगी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और चुनाव शुरू होने के पहले मैंने एक बात कही थी कि पीसफुल, फ्री एंड फेयर, शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो, इसका इंतजाम प्रशासन करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि छोटी मोटी एक आध घटनाओं को देख लें तो इसके अलावा सामान्य रूप से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया है। दूसरे राज्यों में भी अगर चुनाव आप देखे होंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा घटनाएं होती हैं, ये और खुशी का मौका है। दूसरी बात, प्रशासन के जो हमारे साथी इस पूरे अभियान में लगे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्स के जिन लोगों ने इस ठंड में भी पूरी मेहनत करके इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में और शांतिपूर्ण कराने में योगदान दिया है, उन सबका भी मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये त्रिस्तरीय डेमोक्रेसी जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करे, इसके लिए हम सब पूरा सहयोग करेंगे। और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो गठन होगा तो जिले के विकास की पूरी जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों को मिले और वो काम करें, इसका हम सब प्रयास करेंगे।